प्रेगनेंसी कंसीव होते ही स्तनों में कौन कौन से चेंजेस होने लगते हैं? आपका जो स्तन है, जो आपकी जिससे बेबी को दूध पीना है, वो स्तन आपको ये इंडिकेट कर देगा कि अब आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। इम्प्लांट के समय ही आपके स्तनों में चेंजेस आने लगते हैं और इस चेंजेस को देख के आप 100% प्रेगनेंसी कंसीव का जो अंदाजा है वो पता है वो लगा लोगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपकी बॉडी है, हर बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव हर पैर में आएगा, पेट में आएगा, आपके स्तनों में आएगा, हर बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको आते हैं। अगर इस पे आप गौर करोगे तो आपको जरूर इसका जो है इंक्लूड मिल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो कौन कौन से चेंजेज हैं कि इम्प्लांट के समय आपको बता देगा कि आपकी इम्प्लांट की भी प्रक्रिया हो गई है और इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी अच्छे से हो गई है, तो आप श्योर हो कि आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपको मैं स्क्रीनशॉट दूंगी, 90 से 95% लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज एक बेल का बटन दबाने में कुछ नहीं जाता है फ्रेंड्स, तो आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो आपके स्तनों में क्या क्या चेंजेज होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये चेंजेज एक स्तन में भी हो सकता है और दोनों स्तन में भी हो सकता है। देखिए, सबकी प्रेगनेंसी, सबकी सब महिला की बॉडी अलग अलग होती है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उनमें दोनों स्तनों में चेंजेज आए थे तो आप में भी दोनों में आएंगे, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके एक स्तन में चेंजेज आए हैं, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला चेंजेस क्या आता है कि आपके आपकी जो स्तने हैं वो भारी होने लगती है। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो आपकी स्तनों में भारीपन आपको महसूस होने लगता है, आपको हैवीनेस महसूस होने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके स्तन में पेन होने लगता है, अगर कपड़े से भी टच हो जाए तो उसमें झंझनाहट, खिंचावपन, पेन महसूस होने लगेगा। अगर कपड़े से भी लग जाए, किसी का हाथ भी लग जाए या फिर आपका खुद भी हाथ लग जाए तो उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। ये दोनों में हो सकता है और आपको एक स्तन में भी समझ में आने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड, जब आप प्रेगनेंसी के 12 से 26 27 हफ्ते में चली जाती है, यानी कि 12 से लेके 26 24 27 वीक में जब चली जाती हो आप, तो उस समय आपकी जो आपकी स्तने हैं उसकी नसें उभरी उभरी आपको नजर आने लगती हैं। उसके जो आप पे ग्रीन ग्रीन जो नस होती है वो बिल्कुल आपको, बिल्कुल आप ध्यान से देखोगे तो आपको ठीक से वो दिखने लगेगी, क्योंकि जो आपकी बॉडी, जो आपका स्तन है, जो आपकी बॉडी है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन काफी तेजी से होने लगता है, तो उसमें आपको जो नसें हैं वो उभरी उभरी नजर आने लगेगी। दूध की भी सप्लीमेंट उसमें काफी तेजी से बनना शुरू हो जाता है, तभी तो वो अपना काम करेगा। तो जब शिशु आपका डिलीवरी हो जाएगी तो शिशु आपका उस स्तन से दूध पिएगा, तो उसमें भी आ जाते हैं, नसों में उभारने आ जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो निप्पल का एरिया है वो बिल्कुल डार्क होने लगता है, धीरे धीरे उसकी कलर चेंज होने लगती है। इसके अलावा वहां पे दाने दाने आपको नजर आने लगेंगे, ऐसे नजर आएंगे कि वहां पे दाने हैं, जो निप्पल की जो भाग है उसके नीचे आपको दाने दाने नजर आने लगेंगे, डार्कनेस नजर आने लगेगा। और जो निप्पल है वहां पे भी आपको, जो निप्पल का छिद्र है वहां पे आपको दाने दाने जैसा ब्लैक ब्लैक समझ में आने लगेगा। उसको ऐसे नाखून से छुड़ाओगे तो वो निकल भी जाता है, उस जो निप्पल है उसमें छेद जो बनना शुरू होता है वो बनना शुरू हो जाता है, उसकी रोम छिद्रे भी खुलना शुरू हो जाती हैं, ताकि शिशु को दूध बनाने में, उसको दूध बाहर निकालने में आपके शिशु को हेल्प मिल सके। जब आपका शिशु उसको सक करेगा तो अच्छे से छिद्र खुला रहेगा, तो ही आपको, आपका शिशु उसे हग कर सकता है।
कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक काम और आपको करना है कि जो निप्पल का ऊपरी भाग है, जो मैंने अभी बताया कि उस छिद्र पे आपको कभी देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे सा रोम छिद्र में मतलब ऐसे दाने जैसा बैठ गए हैं, तो उसको आपको हटाते रहना है, उसको क्लीन करते रहना है, उसको छोड़ नहीं देने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो जो स्तन है दोनों में काफी जो है भारीपन हैवीनेस आने लगती है, और आपकी स्तनों में आप दूसरा कोई देखेगा तो चेंजेस नजर आने लगेगा, आपको तो नजर आएगा ही, आप दूसरा कोई किसी को भी नजर आने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी के और भी सिम्टम्स नजर आने लगेंगे, जैसे कि आपको कमर में पेन होने लगेगा, आपको वॉमिटिंग उल्टियां होने लगेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो सर है उसमें भारी भारी महसूस होने लगेगा, कभी कभी आपको फीवर सा भी महसूस होने लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी जो ब्रेस्ट है इसमें ये सारे चेंजेस हो रहे हैं और उसके साथ ये सारे भी बॉडी में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो आप कंफर्म हो जाइए कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट फ्रेंड्स आपको इम्प्लांट के समय गलतियां बिल्कुल नहीं करने हैं, नहीं तो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो के भी आपका गर्भ गिर सकता है, आपकी जो प्रेगनेंसी है खराब हो सकती है। तो इस चीज को भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं इन चीजों को ख्याल नहीं रखती हैं, जो कि आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी का 3 महीना काफी सेंसिटिव होता है। इन 3 महीना आपको अपना केयर ज्यादा से ज्यादा रखना है, जब आपकी ओवुलेशन हो रहा है उस समय अपना ध्यान रखना है, जब इम्प्लांट हो रहा है तब अपना ध्यान रखना है, और जब पीरियड मिस हो जा रहा है, जब डॉक्टर के पास चले जा रहे हो तब भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि दवा मेडिसिन आप खा रहे हो तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, नहीं, अगर मेडिसिन ले रहे हो, अगर कुछ गलतियां करते हो, यानी कि भारी वजन का सामान उठा लिया या ए टू जेड कुछ भी कर लिया, तो आपका गर्भ गिर सकता है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जाते जाते एक बार और फिर से कहूंगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।